गुड मॉर्निंग गाइस, कैम छो, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो फिलहाल हम जा रहे हैं आज माउंट आबू। आज है सैटरडे और सैटरडे संडे का दो दिन का प्लान है हमारा। तो अभी हम जा रहे हैं ये थार लेके हमारा, तो अभी निकल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 9, तो देखते हैं, आई थिंक 1 बजे तक हम पहुँच जाएंगे और आपको भी दिखाएँगे वहाँ पहुँचने के नज़ारे। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से अकबर नगर से, और माउंट आबू का डिस्टेंस है कुछ 222 किलोमीटर जितना है, जो हम यहाँ से कड़ी कलोल मेहसाणा वहाँ होके पालनपुर होके हम जाएंगे माउंट आबू। और माउंट आबू जो रोड है वहाँ से माउंट आबू ऊपर जो जाने का है डिस्टेंस वो है 30 किलोमीटर। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको भी दिखाएंगे। अभी हम पहुंचे हैं मेहसाणा और टाइम हो रहा है 10:30। तो अभी यहां से पालनपुर आएगा अभी जो 70 किलोमीटर है, और उसके आगे आएगा फिर माउंट आबू। तो पहुंचते पहुंचते 2 बज जाएगा शायद हमारा। अभी लंच करना बाकी है तो 2 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं, जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। अभी हम पहुंचे हैं ब्लिस वाटर पार्क, जो मेहसाणा से आप पालनपुर जाओगे तो उसमें आएगा। मैं आपको बता देता हूं कैसा दिखता है। ये है ब्लिस वाटर पार्क, आगे फूड कोर्ट बना हुआ है, उसके पीछे वाटर पार्क है। और ये प्रियंका है मेरी वाइफ, ये मेरा फ्रेंड है पलक भाई और उनकी वाइफ दिव्या। तो हम 4 जन आए हैं, देखते हैं पहले थोड़ा चाय पीते हैं क्योंकि पहुंचने में तो लेट ही होगा, तो थोड़ा चाय पी लेते हैं। पलक कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया। बढ़िया है भाभी, आपको? बहुत मस्त। आपको बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं, खमन कैसा लग रहा है? बहुत मस्त। नहीं सच्ची कह रहा हूँ, खमन का ही कह रहा था मैं। ये खमन चाय, अगर आप गुजरात में है और खमन ना खाए तो आपने कुछ नहीं खाया। तो क्या खाया? और ये है ब्लिस, खमन नहीं खाया तो क्या खाया? और ये है ब्लिस वाटर पार्क, ये आगे फूड कोर्ट है, उसके पीछे वाटर पार्क है। अभी यहाँ पे जस्ट थोड़ा होल्ड किया है हमने, उसके बाद फिर हम जाएंगे आगे। अभी ब्लिस पे रुके थे, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं आबू के लिए। तो देखते हैं अगर बीच में कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा तो हम लंच कर देंगे। गर्मी बहुत है और ऊपर से ये प्लास्टिक रूफ है ना, तो उसकी वजह से बहुत गर्म हो जाता है। तो 5 मिनट तो आपको ना गाड़ी ठंडा करने में ही चला जाएगा। थक गए भाई साहब। चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ के रोड ना बहुत ही मस्त है, तो आपका काफी टाइम बच जाएगा अगर आप जा रहे हैं तो। अभी पालनपुर में ये जो आगे सर्कल दिख रहा है आपको, जस्ट थोड़ा पास में जाके आपको दिखाता हूँ, वो है अरोमा सर्कल, जो पालनपुर का मेन सेंटर है। यहाँ से अगर आप सीधे जाएंगे तो आबू जाएंगे, और अगर राइट साइड लेंगे तो आप पालनपुर सिटी में एंटर हो जाएंगे। तो अपने को जाना है बाईपास होके सीधा, वो रोड सीधा आपको आबू जाएगा, पालनपुर आबू हाईवे बोलते हैं उसको। तो अभी ये सर्कल पर हमेशा ट्रैफिक तो रहता ही है, अभी कितना ट्रैफिक है।
सबसे ज्यादा आपको ना ट्रक ही मिलेगा टू व्हीलर से। आपको नहीं पता है क्या? 15 मिनट कब से हो गया उसका जो चल रहा था तो पीछे खड़ा था कि नहीं? 2 मिनट हुआ। अरे भैया तो उस हिसाब से तो देना ही नहीं है ना टोल, वो तो रूल्स ही है। पीछे वाले नहीं देंगे उसका कौन भरेगा? तो वही तो मैं समझा रहा हूँ ना, मतलब जो पीछे वाले का नहीं हुआ उसका कौन भरेगा? तो वही तो मैं समझा रहा हूँ, मैं तो खड़ा ही था ना लाइन में। अभी डल करूँ? दो बार मैंने किया, एक बार किया तो वो बोल रहे नहीं आ रहा है। अरे भैया हर बार करते हैं, हर बार करते हैं। अभी हम आबू रोड पहुंच गए हैं, बस अब ऊपर ही जा रहे हैं, तो आधे पौने घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे। और ड्राइवर चेंज हो गए हैं, अब ड्राइवर सीट पे आ गए हैं पलक कुमार। अब पलक है और पीछे ये तो पैसेंजर तो पीछे ही रहते हैं, वो तो चेंज होंगे नहीं, वो तो आराम में ही है, वो तो चलाएंगे नहीं, बस हम ही चला रहे हैं। पर ये कुछ यहाँ के नज़ारे हैं, बहुत ही अच्छा है। कल संडे है तो कल थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसलिए हम आ जा रहे हैं ताकि कल का पब्लिक कम हो। ये कुछ हिल्स, दो दिन आपको बस ऐसे ही नजारे देखने को मिलेंगे। अगर आप आबू रोड आते हो, अगर ट्रेन से आते हो तो आपको यहाँ से ही गाड़ी मिल जाएगा ऊपर के लिए। अगर बस में भी आते हो तो आबू रोड उतर के आप यहाँ से टू व्हीलर ले सकते हो, जो आपको डायरेक्ट ऊपर जाएंगे आप। और रेंट पे अगर चाहिए तो ऊपर 300 से 400 रुपये आपका लगेगा, ऊपर आपको एक्टिवा बाइक सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। ऊपर आते हैं ना तो आपको ये गेट दिख रहा है, वहां से आपको एंट्री फीस देना पड़ेगा। एक मिनट में जूम करके बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं कितना लेते हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ। आगे जाके जब हमारा वो लेंगे तो पता चलेगा, गाड़ी का होता है पर पर्सन भी होता है, देखते कितना लेते हैं, वो मैं आगे की वीडियो में आपको बता देता हूँ। सैटरडे संडे में आपको ये लाइन रोज मिलेगा ही, बहुत भीड़ है। पूरा स्लोप है ना तो गाड़ी से पीछे ही आ रहा है। यहाँ पे ना एंट्री का आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में फास्ट ट्रैक है तो उसी से हो जाएगा कट, अगर नहीं है तो आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा। उसमें पर पर्सन के हिसाब से नहीं होता है, गाड़ी के हिसाब से है, तो एक गाड़ी का 100 रुपीज है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको फास्ट ट्रैक है तो आपको नहीं देना है, अगर नहीं है तो आपको 100 पे करना पड़ेगा। हेलो गाइस, फिलहाल हम अभी टाइम हो रहा है 5:45 और हम होटल से अभी जस्ट निकले हैं बाहर। मैं आपको बता देता हूँ हमारा होटल, ये वाला था हमारा होटल, और होटल का नाम मैं बता दे रहा हूँ, यॉर्कशायर नाम है ये वाला। तो अगर आप सर्च करो तो ये वाले नाम से सर्च करिएगा, यहाँ नकी लेक से 1 किलोमीटर के समथिंग डिस्टेंस है इसका। थोड़ा आगे आएंगे गली के अंदर से ये वाला है, और हमने पार्किंग किया है ऐसे बाहर, जो सामने आपको दिख रहा है वो पलक, वो हमारा पार्किंग है। तो हमने गाड़ी पार्क की, अभी वो गाड़ी लेने गए हैं, तो पलक आएगा उसके बाद हम गाड़ी लेके जाएंगे नकी लेक, थोड़ा बोटिंग करेंगे क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है। और बोटिंग आप अगर आबू आते और बोटिंग नहीं करेंगे तो फिर कोई क्या ही मतलब, तो आप बोटिंग ज़रूर कीजिएगा। 300-400 समथिंग कुछ होता है प्राइस, आई डोंट नो, वो मैं अभी जाता हूँ तो आपको बता दूँगा। बहुत खाली आया, अभी थोड़ा लेट हो गया था तो खाने में भी लेट हो गया था। तो अभी हम जाएंगे थोड़ा नकी लेक में बोटिंग करेंगे, उसके बाद मार्केट घूमेंगे, फिर बाहर खाना खाएंगे। तो आज का दिन में इतना ही रहेगा, और कल सुबह फिर हम लोग जाएंगे गुरु शिखर और बाकी के आसपास का जो टूरिस्ट प्लेस है वो कवर करेंगे।
हमने रोड पे ही गाड़ी पार्क कर दिया है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग कहीं मिल ही नहीं रहा था, और आज सैटरडे है तो बहुत सारा भीड़ है, तो इसीलिए हमने रोड पे ही पार्किंग कर दिया है। और थोड़ा आगे है तो चल के जाना पड़ रहा है हमें। ठीक है, थोड़ा चल लेंगे, सेफ, गाड़ी तो पार्क हो गया हमारा। तो अभी हम चार जन है, तो दो दिन के लिए है हम आबू में, तो देखते हैं जितना घूमा जाएगा, देखते हैं दो दिन में जितना घुमा पाए, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी बार आबू आ चुके हैं पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो इस बार फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जितना आपको दिखा सकूँ मैं दिखाऊँगा और जितना इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ उतना दूँगा, ताकि अगर आपको नेक्स्ट टाइम आना है तो आप यहाँ आ सकते हो, आपके बजट ट्रैवल में आपका हो जाए। हम गाड़ी लेके आए हैं, पर आप अगर ट्रेन से भी या बस से भी आ सकते हैं, और आबू रोड पर आप उतर के या ऊपर के लिए अलग से गाड़ी ले सकते हैं, या फिर टू व्हीलर ऊपर रेंट भी कर सकते हैं आप, तो ज़्यादा खर्चा होने वाला है नहीं आपका। और अभी होटल सारे पैक है क्योंकि सैटरडे संडे है, तो आप देख लीजिएगा पहले एडवांस बुकिंग करके आइएगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप बुक करेंगे तो आपको महंगा ही पड़ने वाला है, तो आप ऑनलाइन बुक करके आइएगा तो आपको थोड़ा सस्ते में हो जाएगा, तो उसका जो बजट है उसमें आप बाकी सारा आप ट्रिप घूम पाओगे। तो हम चल के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कहीं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी हर जगह जा नहीं सकता है क्योंकि पार्किंग पूरा पैक है, तो इसलिए थोड़ा चलना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए बाकी मैं आपको नकी लेक पे पहुंच के आपको बताता हूँ। ये नकी लेक तरफ जाने का रोड है, ये पूरा मार्केट है दोनों तरफ, आप देख सकते हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी, और सीधे आप जाएंगे तो नकी लेक आएंगे। हाँ, यहाँ पे अच्छा खासा आप शॉपिंग कर सकते हो। आपको दिख रहा है जो सीधा रोड है ना, वहीं पे आपको जाना है। ये पूरा शॉपिंग मार्केट है। ये सीधा जो दिख रहा है आपको वो नकी लेक है, तो वहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, तो सीधे सीधे जाके आपको टिकट लेना पड़ेगा, अंदर से मिलेगा टिकट। टू व्हीलर यहाँ पे अलाउ है, फोर व्हीलर यहाँ एंट्री नहीं करने देंगे अंदर। और यहाँ पे आपको आइसक्रीम भी मिल जाएगा, बहुत सारा वैरायटी यहाँ का बहुत फेमस है। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind.